नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज किस तरीके का एंजाइम है और किस तरीके से काम करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ था 1955 में। दिस पर्टिकुलर एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाई मैरियानी ग्रुनबर्ग एंड सेवरो ओकुआ। अब हम बात कर रहे हैं ये किस तरह का एंजाइम है और किस तरह की ये रिएक्शन को परफॉर्म करता है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह की रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये क्या काम करने वाला है, तो ये हमारे पास में कोई एक पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई एक आरएनए फ्रेगमेंट रहा होगा जिसके अंदर कुछ हमारे पास टोटल एन न्यूक्लियोटाइड्स रहे होंगे और इनके साथ में ये पर्टिकुलर एंजाइम जैसे इंटरेक्ट करेगा तो ये एक और एडिशनल न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड कर सकता है। लेकिन इनके साथ में जो कुछ यूनिक बात जो है वो ये है कि इनके साथ में सब्सट्रेट जो होते हैं वो कभी भी एनटीपी नहीं होते। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देर इज़ नो एनटीपी फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ पर जो काम करने वाला है ये है आपका एनडीपी। एक्चुअली ये जो एंजाइम रहेगा यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है इसको काम करने के लिए एक सब्सट्रेट चाहिए एंड दैट सब्सट्रेट इज़ एनडीपी नॉट एनटीपी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, अब हम जैसे ही आप इसको जब सिंथेसाइज करवाते होंगे तो ये क्या करता हुआ, ये एनएमपी प्लस साथ में आपका जो एक न्यूक्लियोटाइड जो हमने एनडीपी की फॉर्म में लिया था उसको भी ऐड कर देता है। कह सकते हैं कि आपका अगर सबसे पहले अगर हमारे पास में शुरू में ये एन थे तो बाद में ये एन प्लस वन कर देता है। अब चूँकि हमारे पास में दो फॉस्फेट थे तो ये आपका एक फॉस्फेट के साथ में जो न्यूक्लियोटाइड है उसको तो जोड़ देता है, साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको रिलीज करा देते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये एंजाइम काम करेगा तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड का हमारा एडिशन होने वाला है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं पीपी बोलता हूँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो पीपी एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि सबसे पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी एज अ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इससे पहले अभी तक कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हो पाया। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंजाइम दैट वॉज डिस्कवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। एंड आफ्टर दैट एक और साइंटिस्ट थे, वो थे हमारे आर्थर कॉर्नबर्ग। तो कह सकते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज अनदर एंजाइम वाज डिस्कवर्ड दैट वाज डीएनए पॉलीमरेज। एंड दिस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय आर्थर कॉर्नबर्ग। अगर हम एक डीएनए पॉलीमरेज की कंपैरिजन करते हैं अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम के साथ तो इसमें कुछ बेसिक से डिफरेंसेस भी। अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं हम एक एक करके बात करते हैं। देखो जैसे अगर हम डीएनए पॉलीमरेज को हम लेते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज को वर्क करने के लिए चाहिए होता है एनटीपीज, या आप डीएनटीपीज बोल सकते हैं, तो डीएनटीपीज चाहिए हो रहे होंगे। बट इन केस ऑफ पीपी यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज में इसको पीपी लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको कभी भी ध्यान रखना है यहाँ पर कभी भी आपको एनटीपीज नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर चाहिए आपका एनडीपीज यानी कि ये डाई फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ये काम करने वाला है। ओके, हालांकि जब भी आपका ये पीपी एंजाइम काम करता है तो पीपी एंजाइम हमेशा ही आपका एक नॉर्मल तरीके का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जैसे कि आपका एक आरएनए पॉलीमरेज या एक डीएनए पॉलीमरेज बनाता है। यानी कि ये आपका एक टिपिकल टाइप का यानी कि 3'5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर भी देखने को मिलता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसके अंदर ऐसा कोई भी स्पेशल नहीं है, ये आपका एकदम नॉर्मल सा है। जो पीपी एंजाइम है ये आपका एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। इसको किसी भी तरह की टेम्पलेट नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो कि इस एंजाइम को काम करने के लिए कोई भी टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। ओके, एक और चीज़ जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए वो है ये वाली रिएक्शन। देखो अभी हमने यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी है ये आपका एनएमपी ब्रैकेट के बाहर हमने एन लिखा है, एन का मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एन होंगे और साथ में एनडीपी। तो एनडीपी के साथ हम लोग जब इसको जोड़ते जाएंगे तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन से मतलब ये हो गया कि कभी ज़रूरत पड़ने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी कि हम लोग इसको आगे की तरफ मूव करा सकते हैं जिससे कि हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होने वाला है। चाहे तो हम कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपका ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है।
जिसमें कि हमारा एनएमपी बनेगा और साथ में एनडीपी भी बनने वाला है। तो ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के ऊपर। जैसे सपोज करो हम लोग एक केस बनाते हैं, सपोज अगर हमारे पास में एक सेल है, मैं एक छोटा सा केस डिस्कस करता हूँ। सपोज हमारे पास में एक छोटी सी एक सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको मैं हाई मान लेता हूँ। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में होगा ये कि ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, है ना, तो रिजल्ट विल बी द बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन से क्या मतलब है, बैकवर्ड रिएक्शन से मतलब ये है कि ये आपका आरएनए का डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देगा। एंजाइम की रिएक्शन को समझें तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे हमारे पास में एनएमपी जो कि आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में रहने वाला है, तो और ये आपका एनडीपी, तो ये आपका इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ब्रेक डाउन करके आपका ये कई सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ये फ्री कर देगा, किसकी फॉर्म में, एनडीपीज की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये आपको बैकवर्ड करके रिएक्शन को, ये आपको आरएनए को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा, और जैसे जैसे हम आपका फॉरवर्ड लेके जाएंगे तो ये आपका आरएनए को ब्रेक डाउन की जगह सिंथेसिस करने का काम करता है। तो ये रिएक्शन आपका आगे या पीछे दोनों तरफ से शिफ्ट हो सकती है, बैकवर्ड जाएगा तो ये डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉरवर्ड जाएगा तो ये सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या ये एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के लिए स्पेसिफिक होगा या फिर ये रैंडमली किसी भी न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। तो अभी हम बात करने वाले तो कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये किसी भी स्पेसिफिक बेस के लिए आपका स्पेसिफाइड नहीं होता, तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी बेस। तो ऐसा नहीं कि ये आपका सिर्फ ए के लिए ही स्पेसिफिक होगा या टी के लिए, यू के लिए, जी के लिए, सी के लिए, ये कोई स्पेसिफिक होने वाले, ये किसी भी चीज़ के लिए आपका स्पेसिफिक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इनसे जब प्रोडक्ट बनेगा तो हमें फोर जो न्यूक्लियोसाइड्स डाइफॉस्फेट जो होंगे वो आपका इक्वली इसके अंदर आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और हमारे पास में ए यू जी सी का सेटअप मिलने वाला है पहली चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपका ये पी पी एंजाइम क्या डी एन टी पी के साथ भी इंटर कर सकता है, नो ये डी एन टी पी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है। क्या ये आपका डी एन डी पी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अगेन नो, तो ये डी एन डी पी के साथ भी स्पेसिफिक नहीं। ये एंजाइम केवल और केवल जो स्पेसिफिक है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ एन डी पी के लिए। एन डी पी का मतलब ये आपका आर एन ए की बेसिक सी यूनिट्स हैं, ये इनके लिए स्पेसिफिक होता है। अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एंजाइम का क्या प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है। देखो इस पर्टिकुलर एंजाइम को हम आपका एक लेबोरेटरी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम चाहते हैं कि कोई एक स्पेशल टाइप का हमारे पास में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बने आरएनए के अंदर, तो हम लोग लैब के अंदर बड़ी आसानी से आपका अपनी मर्जी का हम कोई भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस ऑफ प्रीडिफाइंड आरएनए। हम किसी भी तरह का प्रीडिफाइंड आरएनए हम मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी का कोई भी आरएनए जिसमें आप जो भी सीक्वेंस चाहते होंगे वो आप सिंथेसिस करने पाएंगे साथ में। अब जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए मॉलिक्यूल को हम जब डिजाइन कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई भी आपका एक एमआरएनए हम बना सकते हैं। सपोज जैसे मैं आपका जेनेटिक कोड को डिकोड करना हो, उस पर्पज़ के लिए भी हम इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्चुअली जेनेटिक कोड जो डिकोड किया गया था उसमें भी आपका इसका एक बड़ा ही यूज़फुल एक रोल था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम के लिए। थैंक यू।